नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने वह गाना तो सुना ही होगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जी हाँ, बात तो सच है, जिंदगी में अगर जीवन साथी ना हो तो जिंदगी बेकार सी लगने लगती है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जीवन साथी की जगह ले सके। क्योंकि जीवन साथी के बिना कोई आपका सुख दुख नहीं बांट सकता, कोई आपके दुख में आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना जीवन साथी है, और आप अपनी हर बात भी अपने जीवन साथी से ही बनवा सकते हैं। और ऐसे में हमें तलाश होती है एक ऐसे साथी की जो सारी ज़िंदगी हमारा साथ दे। और ऐसा साथी जब हमें मिल जाता है, रब हमें हमारी दुआओं का असर देता है, हमारी कर्मों का फल देकर हमें एक अच्छा जीवन साथी देता है, और वो जीवन साथी किसी कारणवश हमसे दूर हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और करें भी क्यों, जो हमारा है वो हमारा है। जी हाँ, यही बात होती है, जो हमारा है वो हमारा है, और जो हमारा है हम उसे खुद से दूर क्यों जाते। आज आपकी इसी समस्या का समाधान मैं लेकर आई हूँ। कई बार परिवार की वजह से जीवन साथी दूर हो जाता है, कई बार बाहर किसी तीसरे व्यक्ति की जिंदगी में आने की वजह से जीवन साथी दूर हो जाता है, कई बार उसके ऑफिस में इतने कलेश होते हैं कि वो आपसे दूर होता चला जाता है, वो अपनी उलझनों में इतना फंस जाता है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको किस तरह इन समस्याओं का समाधान करना है, मैं आपको आज बताऊंगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल उपाय लेकर आई हूँ, जो जितना सरल है उतना ही प्रचंड है। अगर सरल और प्रचंड उपाय को आप करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो पूर्ण ना हो। जी हाँ, अगर चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधि को सही तरीके से अपनाइएगा। आपका जीवन साथी आपके पास वापस लाने की बहुत ही प्रचंड और सरल विधि है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको करना है। आपको मात्र एक लौंग की मदद से अपने जीवन साथी को अपने पास बुलाना है। जी हाँ, लौंग जो हमारे रोगों से लड़ने में हमें ताकत देती है, और भगवान को भी चढ़ाते हैं तो भगवान हमें ताकत देते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं लौंग से। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप भी खुश रहें, आप भी प्रसन्न रहें, तो आपको इस एक लौंग की मदद से एक ऐसा कार्य करना है जिसे कर आप अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं। जो दूर चले गए हैं उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको एक लौंग लेनी है, और उसके बाद आपको इस लौंग पे 11 बार एक मंत्र फूंकना है, और वो मंत्र है वश्यम कुरु कुरु। जी हाँ, वो मंत्र है वश्यम कुरु कुरु। बस इस मंत्र को आपको फूकना है, और 11 बार जैसे ही इस मंत्र को आप लौंग पे फूकेंगे, इसको आप अपने मुंह में रख लीजिए। कुछ समय तक आपको इस लौंग को अपने मुंह में रखना है, और उसके बाद ये लौंग ले जाकर आप धूप में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, धूप में ही रखनी है, छाओं पे नहीं रखनी है। धूप में ले जाकर आप इस लौंग को रख दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे ये लौंग सूखती जाएगी, वैसे वैसे आपका प्यार आपके पास खींच बिल्कुल ऐसा ही होगा, अगर इस विधि को, इस टोटके को आप सही तरीके से अपनाते हैं। जी हाँ, इस तरीके को, इस टोटके को सही तरीके से अपनाइए, मंत्र का जाप सही तरीके से कीजिए, और अपने प्रेमी को, अपने खोए हुए प्यार को अपने पास वापस लाइए। ध्यान रखिएगा, साफ मंशा से आपको ये प्रयोग करना है। जी हाँ, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि साफ मंशा से आपको ये प्रयोग करना है, गलत मंशा से इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये विधि सार्थक नहीं होगी अगर गलत मंशा से आप इसका प्रयोग करते हैं। और कोई समस्या है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन करें, उनसे बात करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान गुरुजी के पास है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।